अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जापानी महिलाओं को संतरे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी जापान की मंडियों में एक भी अमेरिका का संतरा नहीं मिला। इस एकाकी भाव को कहते हैं स्वदेशी का भाव। जापान से कहा कि संतरे आपको हमसे लेके और इनको अपने बाजारों में बेचना है। चूंकि आधिपत्य में था जापान, अधीन था अमेरिका में, तो उन्होंने वो सारे के सारे संतरे लेने पड़े। मुझे एक बार माननीय कप्तान सिंह जी ने एक किस्सा बताया था भिंड का, कि भिंड में एक गांव के अंदर दो परिवारों में बड़ी प्रतिद्वंदता थी, इतने झगड़े थे कि दोनों परिवार के दो दो लोगों की हत्या हो गई। उस गांव के अंदर एक परिवार की लड़की की शादी हुई, बारात आने लगी, तो दूसरे उसके दुश्मन परिवार ने कहा कि मेरे घर के सामने से बारात निकल रही है, मैं स्वागत करूंगा और कन्यादान भी करूंगा क्योंकि मेरे गांव की बेटी। इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ, उन्ने वाला नहीं तू तो मेरी बेटी की पेरी भी सकता, तो मेरा दुश्मन है। गांव की पंचायत को उसने कहा कि मेरी बेटी के पैर इसने पूजे थे और इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं इसकी बेटी की पैर दूँ। बोले इसका कोई भरोसा नहीं कि हमारे बरातियों को जहर दे दे। तो पंचायत ने कहा कि ये कुछ खिलाएगा पिलाएगा नहीं, खाने की जवाबदारी हमारी, पर इसको ढेरिया बनाता था कि ये ढेरी लोहार की, ये कुम्हार की, ये बढ़ई की, ये हमारे यहाँ की तेली की, और उसके घर सामग्री पहुँच जाती। पैसों का चलन बहुत कम, आज भी उसके अवशेष गाँवों में देखे जाते हैं। मैं पहली बार ग्रामीण क्षेत्र से विधायक बना और एक आदिवासी क्षेत्र में की शव यात्रा में गया, तो मैंने देखा कि हर घर से एक व्यक्ति लकड़ी लेके आ रहा है। हमारे यहाँ शहर में तो शमशानों में लकड़ी की दुकान होती, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं दुकान नहीं, उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं, उसको बोझ ही नहीं पड़ता लकड़ी। हर घर से एक बढ़ाई है, हर गांव के अंदर गांव की आवश्यकता के अनुसार जाति के और समाज के लोग हैं। गांव के लोगों की तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं पे धानी लगाकर वो तेली करता, और चाइना और अमेरिका को भी पछाड़ देगा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 के पहले का भारत दूसरा था। उस समय नेता ये कहते थे कि हमारी हम तो देश विकास कर रहा है पर हमारी जनसंख्या बहुत है, लोगों के प्रति प्रतिबद्धता थी। गांव की बेटी मतलब हमारी बेटी, हम आपस में भले ही झगड़ा करें, ये हमारा कमिटमेंट था। तो हमें अपने देश के इतिहास का पन्ना पलट के अध्ययन करना चाहिए कि हम कभी भी पैरासाइट नहीं रहे, हम आत्मनिर्भर रहे हमेशा, और हमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है, और उस क्षमता को पहचाना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे याद आता है एक बार हम लोग बैठे हुए थे एक बैठक में, उन्होंने कहा कि चाइना से क्या क्या चीज हमारे देश में ज्यादा आती है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना के खिलौने हमारे यहाँ सारे देश के अंदर बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे यहाँ खिलौना इंडस्ट्री खत्म हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलौना इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए खिलौना इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाए, उन्हें सुविधाएं दी, और चाइना के खिलौने आज हमारे देश में 10-20% आते हैं और हमारा खिलौना पूरी दुनिया में जा रहा है। खिलौने इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर दुनिया के अंदर सबसे टाइम से जाते हैं चाइना के। खाली हमारा एक गुजरात का जिला मोरबी आज टाइल्स के मामले में सारी दुनिया की 70% टाइल्स की आवश्यकता पूरी कर रहा है। जो चाइना सारी दुनिया के अंदर टाइल्स सप्लाई करता था, वो हमारे देश के टाइल्स निर्माताओं ने 70% विश्व का टाइल्स का कारोबार का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारा स्वदेशीकरण मंच का और स्वावलंबी भारत अभियान का
विचार वर्ग और प्रशिक्षण वर्ग है। स्वदेशी आंदोलन जैसा सबको मालूम है 1991 से जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और गलत आर्थिक नीतियाँ इस देश में शुरू हुई और पूरा ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में भारत को पूरा मार्केट बना दिया, बाहर की कंपनियों को यहाँ आने के लिए स्वतंत्र कर दिया, उसके विरोध में और लोगों को जागरूक करने के लिए कि अपना स्वदेशी रहे, अपने लोग विदेशियों की जाल में न फंसे, इसलिए जो स्वदेशी आगमन प्रारंभ हुआ था वो 91 से बराबर चल रहा है और उसका परिणाम बहुत ये हुआ कि आज चाइना का माल जो है बहुत यहाँ कम आने लगा, जो पहले बहुत ज़्यादा आता था। उसके बाद में जब ये एक समस्या ध्यान में आई कि ठीक है हम लोग कुछ भी कहें लेकिन बेरोजगारी की समस्या तो है, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ बहुत कम हैं, पूरी सरकारी नौकरियाँ और बाकी प्राइवेट नौकरियाँ मिला दें तो मुश्किल से 11 करोड़ नौकरियाँ होती हैं, बिल्कुल ये ऑन पेपर है, और कम से कम 37 करोड़ युवा इस देश में वर्तमान में हैं जो 16 साल से 29 साल के युवा है जिनको कि कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो निश्चित रूप से नौकरियों के चक्कर में यदि वो पड़े रहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, ये उनको ध्यान में आना चाहिए। इसके लिए स्वावलंबी भारत अभियान का प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन मंच के माध्यम से हुआ है। इसमें हमारे विचार संगठन के 20 संगठन और लगे हैं, 8-9 दूसरे संगठन लगे हैं, ऐसे करीब 30 संगठनों को लेके ये स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है। इसके माध्यम से हम जिलों में स्वावलंबन केंद्र खोल रहे हैं, करीब करीब देश भर में 200 स्वावलंबन केंद्र खुल चुके हैं, अपने मध्य प्रदेश में करीब 20 स्वावलंबन केंद्र जिले में खुल चुके हैं, जहाँ पर युवा आते हैं उनको सरकारी योजनाएँ बहुत हैं लेकिन ये युवाओं तक पहुँच नहीं पाती, उनको हम उन तक पहुँचा रहे हैं और उनको मार्केट उपलब्ध कराना, उनको ऋण उपलब्ध कराना, उसके लिए स्वदेशी आंदोलन मंच स्वावलंबी भारत अभियान और ये काम कर रहा है, उसका प्रशिक्षण यहाँ पे 2 दिन का है। भाई साहब आपका नाम? सुधीर दाते, मध्य क्षेत्र संयोजक स्वदेशी आंदोलन मंच।